गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट डे आपका चैप्टर 9.9 में एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी एक्सरसाइज 9.3 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काउंट द 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट शेप इन क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए इसमें कुछ पिक्चर दिए गए हैं, क्यूब के किसको आपका इसको वैल्यू इसका वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है। ओके, तो आप देखिए फर्स्ट पिक्चर जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पिक्चर है, इसमें हम देखेंगे कितने क्यूब्स दिए गए हैं। तो इसमें देखिए काउंट कर लेंगे, आप काउंट कैसे करोगे देखिए, हमने आपको इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का पीडीएफ सेंड कर दिया है, उसमें आप लोग देखें, जिनके पास बुक नहीं है उनकी बात मैं कर रहा हूँ ठीक, और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है क्यूब्स, देखिए इसमें दिया गया है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन, यानी इस प्रकार के सेवन इसमें क्यूब्स ड्रा किए गए हैं, प्रकार के सेवन क्यूब इसमें ड्रा किए गए हैं। ओके, इस प्रकार के सेवन क्यूब इसमें ड्रा किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि कितने इसमें क्यूब है, तो सेवन क्यूब है, यहाँ पर राइट करेंगे नंबर ऑफ क्यूब इक्वल कितना है सेवन, तो सेवन क्यूब प्लस यहाँ सेवन राइट कर देंगे। ओके, आप इसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर दी गई है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से वहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ देखेंगे, लेंथ आप लेंथ ऑफ क्यूब क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आप द वैल्यूम, आप इसका वैल्यूम क्या रखेंगे, वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, अब 1 क्यूब तो है नहीं, क्यूब है। ओके, 1 सेंटीमीटर दिया गया, क्यूब के लेंथ जो है लेंथ एंड ब्रेथ हाइट जो भी है इसकी 1 सेंटीमीटर है। ओके, आप वैल्यूम आप क्यूब का जो होगा, अब इसकी वैल्यूम कैसे रहा, क्या होता है, क्या होता है आर इंटू बी इंटू एच वैल्यूम, ये फार्मूला होता है, जब ये फार्मूला होता है यार लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये फार्मूला होगा कि आप टोटल अगर इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट टोटल 1 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको हम करेंगे तो 1 × 1 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सबका 1 हो जाएगा, लेकिन 7 क्यूब है तो × 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा × 7, तो 1 × 1 × 1 तो क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 7 सेंटीमीटर क्यूब राइट कर देंगे, क्लियर। इसी तरीके से हमको टोटल इसमें जो पिक्चर दिए गए हैं बी सी डी ई एफ जी, टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले क्यूब जो नंबर ऑफ क्यूब है इनके इनका नंबर टोटल काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद इसको हम जैसे इसमें सॉल्व किए थे वैसे बिल्कुल सेम सॉल्व कर देंगे, क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यूबिक क्यूबॉइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यूबॉइड हूज लेंथ 9 सेंटीमीटर ब्रेथ 7 सेंटीमीटर हाइट 6 सेंटीमीटर। ओके, आप क्या है इसका क्या फाइंड आउट करना, क्यूबाइट दिया गया है, इसका वैल्यू इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2
पाइप कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। अब ब्रेथ ऑफ, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड, क्या है 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबाइड कितना होगा, इसका हाइट भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, क्या है 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ क्यूबाइड 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबाइड 6 सेंटीमीटर। ओके, आप क्या फाइंड आउट करना, वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पर राइट साइड की वैल्यू ऑफ क्यूबाइड इक्वल कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, आर इनटू बी इनटू एच। ओके, आर इनटू बी इनटू एच, आर मींस लेंथ, बी मींस ब्रेथ, एच मींस हाइट। ओके, अब पता क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 × 7 × 6। ओके, अब इसका कितना, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अब इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 इंटू 6 है, 6 राइट कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, फिर आप इसका इससे, जब इसका इसमें कर दिए इतना आया, आप फिर से 6 से उसको कर देंगे, कितना है 6 × 3 = 18, 18 एक हो गया, 1 कर दिया है, और 6 × 36 = 37, यानी 378 सेंटीमीटर क्यूब। क्या राइट करेंगे यहाँ पर, देखिए जब हम रेक्टेंगल का या स्क्वायर का क्या एरिया राइट करते थे, तो एरिया यहाँ पर तो स्क्वायर राइट करते थे, ऐसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर हम 2 करते थे। ओके, स्क्वायर बोलते थे, लेकिन यहाँ पर अब इसकी वैल्यू राइट करते थे हम, तो इसका सेंटीमीटर की पावर पर 3 होगी, यानी क्यूब राइट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट हो गया, 1 क्वेश्चन और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी में देखिए लेंथ 9 सेंटीमीटर, इसमें भी यही करना है, केवल आपको ये क्लियर हो गया, अब केवल आपको ये चेंज कर देना बस। ओके, आप देखिए लेंथ आपकी बार कितना दिया, 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यूबाइड 9 मीटर 25 सेंटीमीटर, मीन्स क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9.25 मीटर, क्या हो जाएगा 9.25 मीटर हो जाएगा, इसको जब डेसिमल में चेंज कर देंगे। ओके, आपसे इसका ब्रेथ क्या दिया गया, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इसका क्या दिया गया है 1 मीटर, क्या है 1 मीटर, और हाइट क्या है, हाइट ऑफ क्यूबाइड क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, दिया गया है 6 मीटर, क्या है 6 मीटर। ओके, अब क्या रहा फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना वैल्यू, वैल्यू को जब फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू को ऑफ क्यूबाइड तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यल इंटू बी इंटू एच, यल अब यल कितना है, यल आपका ये रखेंगे 9.25 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। ओके, इंटू 6 मीटर, इंटू 6 मीटर कर देंगे। आप क्या करेंगे, आप इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितना आएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 9.25 × 8, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 9.25
टू फाइव इंटू एट, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एट फाइव है 14, यहां हो गया जीरो, यहां आया फोर, एट फाइव है 40, 40 के यहां पर जीरो, यहां फोर आ गया क्वेरी। अब यहां पर क्या करेंगे, एट टू था 16, 16 और फोर क्या हो गया 20 हो गया, 20 के जीरो राइट कर देंगे, कितना आया टू क्वेरी आया, फोर आया। आप फिर कितना एट नाइन है, एट नाइन है 72, अब 72 होगा 72 और प्लस 2 और कर दोगे तो 74 हो जाएगा। ओके, अब डेसिमल कितने नंबर बाद है, 1 2, 2 नंबर बाद डेसिमल है, 1 2, 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दीजिए। ओके, यहां पर कितना आ गया, यहां पर आया 7400, इतना का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब 6 अभी है इनटू 6 कर दीजिए। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे डेसिमल, डेसिमल के इधर जीरो है, डेसिमल के इधर जीरो है, तो हम डेसिमल के इधर जब जीरो होता है तो जीरो जीरो होता है इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक। यहां पर कोई नंबर होता तब हम इसकी वैल्यू मानते हैं, लेकिन डेसिमल के इधर वाले को अब यहां से केवल इसको हम क्या राइट करते हैं, केवल इसको हम 74 राइट कर देंगे, क्या 74 मीटर 6 मीटर। ओके, अब 74 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 74 इंटू 6, तो 6 4 का 24 से 4 आई कर दोगे तो कैरी आ जाएगा। अब 6 से बन जा 42 और 2 44। ओके, अब यहां पर कितना आ गया 444, यानी 444 मीटर क्यूब, क्या कर दोगे मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, ए एंड डी बी सी लेट कर दिया हूं, तो इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना होगा। ओके, जितने क्वेश्चन हम लेट करते हैं उतना आपको सेल्फ सॉल्व करना होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हियर, एल डोनेट्स लेंथ, बी डोनेट ग्रेड, एच डोनेट हाइट एंड बी डोनेट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो चीज मिस हो गई होगी उसकी उसी चीज का आपको फाइंड आउट करना है, अगर बी तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर एच मिस है ठीक इसके तो इसके हाइट निकालना है। ओके, एच मिस है तो क्या लेंथ निकालना फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें दिया है यल, यल मींस लेंथ, यल कितना है 8 मीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर है, क्या 8 सेंटीमीटर। ओके, बी कितना दिया है, बी इक्वल 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल 10 सेंटीमीटर। ओके, और एच क्या है, इसमें एच दिया गया है, यह दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और बी बी क्वेश्चन मार्क दिया गया। तब यहां पर देखिए यह यानी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल यहां पर क्वेश्चन मार्क मीन्स आपको यानी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पर करेंगे B equal, अब यहां पर राइट करेंगे B equal
यार B equal यार into B into यस। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, सेम वही चीज है। ओके, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर यल कितना है, एट इंटू टेन इंटू सेवन। ओके, अब फिर इसका मल्टीप्लाई कर दें, टेन एट कर दिया, एट्टी हो गया, इंटू सेवन है सेवन लाइक कर देंगे इक्वल। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेवन का जीरो में तो जीरो हो जाएगा, एट से बन गया 56। ओके, 56 यानी 560 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब क्यूब यहाँ बिल्कुल नीचे ना राइट करेंगे, आप क्यूब होना चाहिए छोटा सा। ओके, क्यूब राइट कर देंगे, क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको टोटल इसी तरीके से है, सब इसी कायदे कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी सी डी फोर क्वेश्चन इसमें और दिए हैं, वन क्वेश्चन कर दिए तो बी सी डी इसमें और दिया गया है, तो थ्री क्वेश्चन तक आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। कल फोर फाइव यानी क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। ओके, और जो बच्चे कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं वो अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें, और एल पी एस के बच्चे और जिनकी कॉपी कंप्लीट हो चुकी है वो एक अपनी कॉपी ला करके यहाँ स्कूल जब स्कूल टाइमिंग में अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, और इसको अपनी कॉपी चेक भी करवा लें जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैं तो ढेर सारा हो जा रहा है, तो जब लेकर आओगे कॉपी हम चेक करेंगे, फॉल्ट होगी तो क्या होगा, फिर हम उसको दोबारा कहेंगे आप इसको नेक्स्ट कॉपी आप चेंज करिए या और कुछ करिए तो क्या होगा, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे आप लोग उसको चेक करवाते रहिए और अपना वर्क बिल्कुल क्लियर कंप्लीट करते रहिए। ओके, थैंक यू।